यूपी के गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आप नेता संजय सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने एनडीए गठबंधन और मणिपुर की घटना के साथ ही बीजेपी के भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें मेरठ मंडल के कई जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा जी, ये सब लोग अपने और तमाम नेताओं के साथ यहाँ हम लोग शामिल हुए। एक बहुत बड़ा मुद्दा मणिपुर हिंसा का है इस समय पूरे देश के सामने। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। मणिपुर की घटना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। सिर्फ प्रधानमंत्री और वहां के निकम्मे मुख्यमंत्री और अमित शाह जी को छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अगर 90 दिन तक देश का प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से में हो रही हिंसा पर चुप रहेगा, वहां का भ्रमण नहीं करेंगे, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे, दुनिया की सैर में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं होंगी। 4 मई को 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया। ऐसी घटना की उम्मीद आप तालिबान में तो कर सकते हैं, हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। यह मोदी के राज में हो रहा है, नंगा करके परेड कराया गया, उनके साथ रेप किया गया, छोटे छोटे बच्चों का वहां कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है। देश का एक हिस्सा, भारत माता का एक अंग, आज उसको अपाहिज करने की कोशिश की जा रही है।